दो शरीफ पढ़ना। एक सवाल कहा था, क्वेश्चन 10। एक सवाल तो दो ही थे, नहीं अब एक सवाल में 15 लाइनें होंगी तो 15 सवाल हो जाएंगे क्या? सवाल तो दो ही थे। क्वेश्चन नंबर 10, 2005 से शुरू करना था और 2007 तक डेफर टैक्स 3 दफा कैलकुलेट करना था और BDCT का डिफरेंस डेफर टैक्स एक्सपेंस बनना था। टैक्स रेट जिस साल का जो है वो लग जाएगा, तो इसमें बस दो एसेट्स को डेप्रिशिएट करके आगे बढ़ना है। और सिर्फ 2007 में ऐसा, 5 में ऐसा है, 5 में के कैरी फॉरवर्ड टैक्स लॉस है। तो 2005 का जब डेफर टैक्स बनेगा, 2005 का, तो 2005 के डेफर टैक्स को बनाते हुए एक तो वो मशीन, और क्या है दूसरा, एक तो मशीन है, फर्नीचर है, ये दो तो चल ही रहे हैं डेप्रिशिएट होते होते। 5 में कैरिड फॉरवर्ड लॉस भी है। फिर उसके बाद ये तो गिवन था, लेकिन जब 2006 का आप 2007 का करंट टैक्स कैलकुलेट कर रहे होंगे और फिर अगर एंड पे दोबारा लॉस आ गया, वो फिर 2006 का कैरिड फॉरवर्ड लॉस होगा। जैसे 2006 का जब करंट टैक्स कैलकुलेट किया, जी 2006 का जब करंट टैक्स कैलकुलेट किया तो 2006 के करंट टैक्स की वर्किंग में फिर लॉस आ गया। ये अब 2006 का कैरिड फॉरवर्ड टैक्स लॉस है, इसलिए 2006 का डेफर टैक्स निकालते हुए फिर से इसको कैरिड फॉरवर्ड लॉस डेफर टैक्स में इस्तेमाल होगा। तो एक साल का जो कैरिड फॉरवर्ड टैक्स लॉस है वो आपको करंट टैक्स की वर्किंग करेंगे तो मिलेगा। 5 में चूंकि उसने करंट टैक्स की वर्किंग नहीं करवानी थी, इसलिए वो दिया हुआ था 5 का कैरिड फॉरवर्ड लॉस। 2006 में है कि नहीं, 2007 में है कि नहीं, ये तो करंट टैक्स की वर्किंग करेंगे तो नजर आएगा। तो 6 में कैरिड फॉरवर्ड लॉस आया, इसलिए 6 के डेफर टैक्स में भी कैरिड फॉरवर्ड लॉस आएगा। 7 में नहीं था, तो बस 7 में सिर्फ मशीन और फर्नीचर ही है। 2005, 6, 7 के डेफर टैक्स कैलकुलेट करने में, करंट टैक्स कैलकुलेट करने में कोई मुश्किल परेशानी है तो बताएं। सवाल पर डिपेंड करता है, अगर सवाल में उसने करंट टैक्स कैलकुलेट नहीं करवाना तो फिर वो जो भी जरूरी डाटा होगा वो दे दिया होगा। लेकिन अगर करंट टैक्स भी कैलकुलेट करवाना है तो फिर हाँ, पहले करंट टैक्स कैलकुलेट होगा फिर डेफर टैक्स कैलकुलेट होगा। क्वेश्चन 10 जी, इसकी क्या वजह है? अच्छा, आप इस पर डेफर टैक्स बनाने की वजह पूछ रहे हैं कि इस पर टाइमिंग डिफरेंस तो है नहीं, तो ये टाइमिंग डिफरेंस से तो हट के चीज़ है, तभी तो उसको अलग से लिखा होता है। तो एक तो ये टाइमिंग डिफरेंस से अलग चीज़ है। दूसरी बात कि इसकी लॉजिक क्या है, बिल्कुल मैं भी इसकी लॉजिक बताता हूँ आपको एक जुमला, वो ये मैं होमवर्क डिस्कस कर लूँ फिर बोलता हूँ, बड़ा कीमती जुमला है, वो इतना ज़्यादा हजम तो नहीं होता होता लेकिन काफ़ी लोगों को हो जाता है तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 10, वो मैं 11 डिस्कस करूँ तो बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में कोई और मसला, अगर सवाल किया है, ये पूरा प्रोसेस हाथ से गुजारा है, तो बस ये चाहता था मैं आपसे, क्योंकि अब जो सवाल आया करते हैं वो कॉन्सेप्चुअली हाई लेवल के होते हैं, ये शुरू शुरू के सवाल थे, ये सिर्फ आपने प्रोसेस गुजार लिया हाथ से, बस आप इसमें चल गए, अब आप चल गए हैं, अब आपको दौड़ाना भी है और कलाबाजियां भी दिलवानी है, छलांगे भी लगवानी है। क्वेश्चन नंबर 10 डन। क्वेश्चन नंबर 10 में जो मसला हो सकता था वो कैमरे वाले बच्चों के लिए, वो मैंने आपको ही कैरी फॉरवर्ड लॉस बताया, बाकी मशीन और फर्नीचर की डेप्रिसिएशन ही चलानी है, अकाउंटिंग की अलग और टैक्स की अलग। क्वेश्चन नंबर था दूसरा 15, इसमें आपको जो फिगर्स गिवन है वो 2010 के बैलेंसेज हैं, बैलेंस जो गिवन है, बैलेंस यानी पॉइंट नंबर 2 के अंदर जो अकाउंटिंग और टैक्स की बुक वैल्यू गिवन है वो 31 दिसंबर 2010 की है। इसी तरह प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पॉइंट नंबर 7, इसका बैलेंस 2010 का है, लेकिन 11 भी कैलकुलेट करना है और 9 भी कैलकुलेट करना है, तो इन 10 के बैलेंस को आगे बढ़ाएंगे तो 11 एंड आ जाएगा और पीछे ले जाएंगे तो 31 दिसंबर 9 आ जाएगा।
तो इसलिए इन दोनों के एक ही फॉरवर्ड वर्किंग करनी थी, एक ही बैकवर्ड करनी थी, और ये दोनों ही वैरायटियां हम पहले सालों में कर चुके। एक दफ़ा एक फिगर को आगे लेके बढ़ना था वो भी एक साल में कर चुके, और वापस चलना था वो भी कर चुके। इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स को एक मसला ही आता है, आपको शायद आया हो या ना आया हो कि जब 2010 से 11 पे जाना है यानी 11 का बैलेंस निकालना है, तो ये तो बच्चे अक्सर आसानी से कर ही लेंगे, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आपको जो 10 का बैलेंस दिया हुआ है वो 11 का बीडी लिख लेंगे, फिर 11 का बैड डेट, 11 का राइट ऑफ, तो 11 का सीडी निकाल लेंगे। अब इसमें एक नफसियाती मसला ये आएगा कि आपको लगेगा कि 11 का क्लोजिंग बैलेंस निकालना था तो 11 का टीए अकाउंट बनाया, तो 9 का क्लोजिंग बैलेंस निकालना है तो 9 का टीए अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो जो 10 का बीडी होगा वो 9 का सीडी होगा। तो इसलिए बस एक थोड़ा सा ये ट्रिकी पॉइंट होता है कि है 9 का तो डाटा ही नहीं, 9 का टीए अकाउंट कैसे बनाए, तो जो 10 का बीडी है वो 9 का क्लोजिंग है। तो इसमें भी इन दो ही चीज़ें को बस वापस 9 तक ले जाना था और आगे 11 तक ले जाना था, और करंट टैक्स कैलकुलेट करते हुए एक साल में लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड है, और डेफर टैक्स की वर्किंग में फिर 9 में उसको कैरी फॉरवर्ड लेना था। ये जो 10 के लिए ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, तो ये 9 की कैलकुलेशन में इसको कैरी फॉरवर्ड यूज़ करना था, और इसकी कैलकुलेशन आपने अगर की हो तो वर्किंग से टैली कर सकते थे। क्वेश्चन 15 में आपने कुछ पूछना है तो पूछे, अगर किया है। कुछ नहीं पूछना, चलें ठीक है जी, प्रोसीजर आपने हाथ से गुजार लिया, शाबाश। डेफर्ड टैक्स के बारे में एक जुबला बोल रहा हूँ, अगर तो समझ आता है तो ठीक है, ऐसी बस मजे के लिए बोल रहा हूँ, सवालों पे उसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं है। आप क्लास में पहुंचे और आप तो सीट पे बैठ ही गए, लेकिन आप आ गए तो समझे आपका दोस्त भी आ गया, आप सीट पे बैठे और आपने एक बैग साथ वाली सीट पे रख दिया। अब ये आपने जो साथ वाली सीट पे बैग रखा, ये आपने दोस्त की सीट जगह रख ली। अब वो जब दोस्त आ जाएगा क्लास में, तो वो यही जो जगह रखी थी वो वहाँ बैठना है इसने, तो अब आप बैग उठा लेंगे और उसकी जगह पर दोस्त बैठ जाएगा। तो आप जब आ गए तो बस रखिएगी दोस्त की सीट, तो पहले आपने बैग रखा, फिर जब दोस्त आ गया एक्चुअली, तो फिर वो बैग उठा लिया और वो दोस्त उस जगह बैठ गया। दोस्त एक्चुअली ऑफिशियली बाद में आया है, लेकिन उसकी सीट पहले ही कवर हो गई थी। तो ये जो डेफर्ड टैक्स है ना, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने इस साल एक इनकम को रिकॉर्ड किया, जबकि टैक्स वालों ने उस पर अगले साल में कहीं टैक्स लगाना है, जब कैश मिलेगा। तो हमें इस साल एक इनकम क्रेडिट और रिसीवेबल डेबिट करके एक इनकम रिकॉर्ड कर ली, लेकिन टैक्स वाले कहते हैं हम तो कैश बेसिस पे चलेंगे, तो वो उसको कब टैक्स लगाएंगे? तो इस साल हम जब इनकम मान चुके तो टैक्स भी इसी साल पड़ना चाहिए, टैक्स एक्सपेंस बनना चाहिए, नहीं बना, तो हमने डेफर टैक्स कह के जगह रख ली। जब कल को ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये आप नहीं 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 वो तो मैंने एडवांस की मिसाल ली थी। 2021 में एक 10,000 की इनकम मिली, जबकि ये रिसीव होगा 2022 में। अगर टैक्स रेट 30% है तो हमने इसको इनकम 2010 को 10,000 को 2021 में माना है, जबकि टैक्स वाले इस पर टैक्स कब लगाएंगे? 22 में। तो इस पर करंट टैक्स तो आएगा यहां, लेकिन हम इनकम कब मान रहे हैं? 21 में, तो टैक्स तो इधर आना चाहिए। तो डेफर टैक्स की एडजस्टमेंट क्या होगी? वहां से शिफ्ट करके यहां ले आएंगे। ये डेफर टैक्स है कि इनकम जिस साल में है उसका टैक्स भी वहीं आना चाहिए, क्योंकि वो अगले साल में आ रहा था तो वहां से शिफ्ट करके यहां कर लिया। ये वो जो मैं दोस्त की मिसाल दे रहा था, जब इनकम पहुंच गई तो उसका टैक्स आना चाहिए था, नहीं आया, ये उसकी जगह रख ली। जब वो ऑफिशियली आ गया तो ये जगह से उठा दिया, क्योंकि 10,000 की इनकम बन गई और अभी उसका टैक्स आ रहा था रस्ते में, तो डेफर टैक्स से उसकी सीट रख ली, मली गई सीट। और जब कल वो ऑफिशियली आ जाएगा
तो जो हमने सीट रखी हुई थी वो उठा लेंगे और वो उस पर बैठ जाएगा। तो ऑफिशियली तो वो 2022 में आया है, लेकिन हमने उसकी सीट रखने से टैक्स एक्सपेंस 2021 में बना लिया हुआ है। तो अगर किसी साल लॉस हो जाते हैं वो टैक्स बचा के कब देंगे? अगले साल। लेकिन चूंकि लॉस हो चुका, टैक्स बेनिफिट हक बन चुका, तो हम अभी से ही एक डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड करके एक टैक्स क्रेडिट कर देते हैं कि लॉस चूंकि हो चुका तो उसका टैक्स बेनिफिट अभी रिकॉर्ड कर चुके, सीट रख चुके। ऑफिशियली उसका टैक्स बेनिफिट कब मिलेगा? कल जब प्रॉफिट्स आएंगे, करंट टैक्स निकलेगा, टैक्स बचेगा। लेकिन हमने अभी ही डेफर्ड टैक्स के नाम से उसकी सीट रख ली। क्यों? क्योंकि लॉस इनकर हो चुका। जब लॉस इनकर हो चुका तो उसका टैक्स बेनिफिट भी होना चाहिए। अभी नहीं हुआ ऑफिशियली, बाद में आएगा, अभी से डेफर्ड टैक्स के नाम से सीट रख ली। तो डेफर्ड टैक्स सीट रखने के लिए है कि वो जो हरकत हो चुकी जिसका ऑफिशियली टैक्स बाद में आ रहा है, हमने अभी से उसकी सीट रख ली। जब बाद में वो ऑफिशियली आएगा तो दोबारा टैक्स एक्सपेंस बन जाएगा। नहीं, ये वाला रिवर्स कर देंगे। क्या इसकी मिसाल दे रहे हैं? हाँ, हमने टैक्स एक्सपेंस इसी साल रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि जिससे रिलेटेड था वो इनकम आ गई थी, तो उसका दोस्त अगले साल आना था, तो हमने इसी साल दोस्त की सीट रख ली। टैक्स एक्सपेंस अभी ही रिकॉर्ड कर लिया। टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर्ड टैक्स क्रेडिट। टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर्ड टैक्स क्रेडिट। जब अगले साल टैक्स एक्सपेंस डेबिट और डेफर्ड टैक्स क्रेडिट, जब अगले साल ये ऑफिशियली आएगा तो हम फिर से टैक्स एक्सपेंस डेबिट कर रहे होंगे, टैक्स पेएबल क्रेडिट कर रहे होंगे। ये करंट टैक्स की एंट्री। अब टैक्स एक्सपेंस दो दफा रिकॉर्ड हो गया, तो ये रिवर्स कर दिया, डेफर्ड टैक्स डेबिट और टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट। तो ऑफिशियली बेशक ही अगले साल आया, लेकिन टैक्स एक्सपेंस कैंसिल हो गया क्योंकि वो पिछले साल ही हम रिकॉर्ड कर चुके थे। तो आपका सवाल किया था वो मैं बता रहा था, जिसने पूछा था कि बाकियों पे टाइमिंग डिफरेंस, तो चलो समझ आता है कि टाइमिंग डिफरेंस है तो डेफर्ड टैक्स बना रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड लॉस पे डेफर्ड टैक्स क्यों बनाते हैं? तो वो बता रहा था कि इस साल अगर लॉस हो गया है लॉस, तो उसका टैक्स बेनिफिट भी इसी साल ही हमें नजर आना चाहिए, क्योंकि लॉस हो गया का मतलब है इनकम एक्सपेंसेस में है वो चीज। तो इसलिए अगर लॉस हो गया तो हमारा हक है, बन गया हमारा हक, तो उस पर असल में ऑफिशियली बचत तब मिलेगी जब कल को टैक्स कैलकुलेट हो रहा होगा और वो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कह के लेस होगा, तो बेनिफिट तो उसका कल मिलना है। लेकिन जो कि आज हो चुका लॉस, तो टैक्स बेनिफिट हमें नजर आ जाना चाहिए, वो हम डेफर्ड टैक्स के नाम से बना लेंगे। क्या नहीं, रिफंडेबल कहना ठीक नहीं है इसको, हमने कोई पैसे तो नहीं दिए जो कल को वापस आने, तो रिफंडेबल का वर्ड मुनासिब नहीं है। आज लॉस हो चुका है, इसका बेनिफिट लेना हमारा हक बन चुका है, लेकिन ऑफिशियली बेनिफिट इसका बाद में मिलेगा, तो वो जब ऑफिशियली कल आएगा तो आएगा, सीट तो रखे ना उसकी, तो इसलिए हम आज ही डेफर्ड टैक्स एसेट के नाम से टैक्स एक्सपेंस कर देते हैं क्रेडिट। अच्छा, जिनको ये डिस्कशन कुछ भी समझ नहीं आई तो दिल पे ना लें, बुरा महसूस ना करें, आप भी कर लेंगे सवाल। अब इसके नोट्स और टैक्स रेट्स चेंज हो जाना, ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या टैक्स बेस की कैलकुलेशन में और उलझाना, उससे पहले मैं आपको ना OCI आइटम्स का एक टैक्स बता दूं, फिर उसके बाद नोट्स की प्रैक्टिस पे आएंगे हम। आपके सिलेबस में दो हैं OCI आइटम्स, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, दो हैं आपके सिलेबस में, जितने IAS पढ़े हैं उनमें से दो चीज़ें हैं जो OCI में आ रही होती हैं। क्या क्या? रिवैल्यूएशन और वो जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का फेयर वैल्यू थ्रू OCI, वो एक इन्वेस्टमेंट की 200 मिलियन की और उस पर फेयर वैल्यू गेन हो गया 50, तो कैरिंग अमाउंट 250 मिलियन हो गई। ये क्या बेच दी इन्वेस्टमेंट, 50 मिलियन प्रॉफिट कमा लिया? ये जो 50 मिलियन का गेन है, ये बस फेयर वैल्यू अपडेट करने की वजह से। ईयर एंड आया, कैरिंग अमाउंट इस इन्वेस्टमेंट की 250, और टैक्स वाले ना ये फेयर वैल्यू के गेन लॉस को नहीं लिफ्ट करा रहे होते, वो कहते हैं जब बेचोगे प्रॉफिट होगा तो बताना। कुछ जल्दी की
नहीं नहीं अभी थोड़ी आया क्लास में, मुझे अभी आई है। टैक्स बेस क्या होगी इसकी? टैक्स वाले फेयर वैल्यू अपडेशन को नहीं लिफ्ट करा रहे होते, तो फॉर टैक्स पर्पसेस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है? 250 का आ गया टैक्सेबल डिडक्टेबल, टैक्सेबल डिफरेंस, डिडक्टेबल डिफरेंस, टैक्सेबल डिफरेंस, डीटीएल बनेगा। टैक्स रेट अगर 20% है तो 10। पहला साल है, बीडी कोई नहीं है, सीडी है, बीडी कोई नहीं है, सीडी है 10। इस साइड पे आ जाएगा टैक्स एक्सपेंस। अगर ये इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल क्लास की है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल क्लास, ये फेयर वैल्यू गेन कहां रिकॉर्ड हुआ हमारी बुक्स में? पीएनएल में। ये जो डेफर टैक्स 10 का अराइज हुआ है ये इसी से रिलेटेड है ना, हमने इसको फेयर वैल्यू पे अपडेट किया। ईयर एंड पे ये 200 से 250 इन्वेस्टमेंट हो गई, 50 का गेन आ गया, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल इन्वेस्टमेंट थी ये, तो ये 50 मिलियन चला गया गेन प्रॉफिट एंड लॉस में। ईयर एंड पे कैरिंग अमाउंट ये है, टैक्स वाले चूंकि इन फेयर वैल्यू अपडेशंस को नहीं मानते तो फॉर टैक्स पर्पसेस ये इन्वेस्टमेंट कितने की है? 200। डिफरेंस आया, टैक्सेबल डिफरेंस है, डेफर टैक्स लायबिलिटी बनेगी और इससे बैलेंस करके डेफर टैक्स एक्सपेंस आ गया। तो मैंने ये पूछा है कि ये जो 10 का एक्सपेंस है ये 50 से रिलेटेड है ना? अच्छा, ये टाइमिंग डिफरेंस इसलिए होता है कि टैक्स वाले कह रहे हैं कि जब बिकेगा, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल होगा, हम तब टैक्स लगाएंगे कैपिटल गेन। तो ये टैक्स लगेगा लेकिन अभी नहीं, कब लगेगा? तो जब कल बिक जाएगा, फर्स्ट करें अगले साल 250 का बिक जाता है, तो फिर ये 50 का गेन रियलाइज हो जाएगा, रियलाइज, फिर टैक्स वाले इस पे आके टैक्स लगाएंगे। लेकिन हम क्योंकि अभी ही गेन मान रहे हैं, एक कॉन्सेप्चुअल बात कर रहा हूं, ये तो प्रोसीजर हो गया ना, एक कॉन्सेप्चुअल बात कर रहा हूं, हम इस 50 को इनकम अपनी बुक्स में कब ला रहे हैं? 2021 में ही, तो इसका टैक्स भी 2021 में आना चाहिए ना, तो इसलिए डेफर टैक्स आ गया। ऑफिशियली कब इस पे टैक्स लगेगा? जब अगले साल बिकेगा, कैपिटल गेन आएगा, तब टैक्स वाले उस पे टैक्स लगाएंगे, तो कॉन्सेप्चुअली डेफर टैक्स बनना चाहिए। अब चूंकि टैक्स सारा जो आईएएस पढ़ा है अब तक वो बात ही सारी मैचिंग कॉन्सेप्ट की हो रही थी, ये जो 50 की इनकम है ये हमारे एसओसीआई में कहां आई है? ओसीआई में के प्रॉफिट में। जी जी जी, मैं दो दफा तो बोली बात, ये इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू टू पीएनएल है, तो ये 50 का गेन पीएनएल में गया है, इसलिए ये टैक्स एक्सपेंस बिल्कुल टैक्स एक्सपेंस की जगह ही आना चाहिए, क्योंकि जब 50 ऊपर इनकम में है तो उस पर पड़ने वाला टैक्स टैक्स एक्सपेंस में आना चाहिए, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आगे एसओसीआई के फेस पे, क्योंकि फेयर वैल्यू गेन ऊपर कहीं इनकम हो गया शुमार, तो पीबीटी में ये 50 आ गया। करंट टैक्स बेशक अभी नहीं पड़ा इस पे, कोई बात नहीं, डेफर्ड सही, ये कह रहा हूं मैं कि ये 50 का गेन हम चूंकि इनकम बना चुके, हमारी इनकम में है, प्रॉफिट के अंदर है, तो इस पे पड़ने वाला टैक्स भी इधर टैक्स एक्सपेंस में आना चाहिए, ये कहा है मैंने। अगर ये इन्वेस्टमेंट होती फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, अगर ये इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाली क्लास होती तो इस पोर्शन में बताएं क्या फर्क पड़ता, या ये ऐसे ही रहता? ये ऐसे ही रहता, क्योंकि कैरिंग अमाउंट 250 ही होती, टैक्स बेस 200 ही होती, डीटीएल 10 ही बनता, इसको बैलेंस करके ये 10 यहां एक्सपेंस निकल आता। ऐसा करने से एक अजीब बात ये हो गई कि वो जो 50 मिलियन की इनकम है वो इधर आ रही है कहीं, जब ये ऊपर इनकम ही नहीं है तो उससे रिलेटेड टैक्स ऊपर टैक्स एक्सपेंस में क्यों आए? तो इसलिए वो आइटम जो ओसीआई में आती है उससे रिलेटेड डेफर टैक्स यहां नहीं आएगा, वो भी ओसीआई में ही आएगा। ये बात है कि अगर डेफर टैक्स उस आइटम से रिलेटेड है, ये डेफर टैक्स इस 50 की वजह से ही है, जो आइटम पीएनएल में नहीं गई ओसीआई में गई है, तो उससे रिलेटेड जो डेफर टैक्स बन रहा है वो भी ओसीआई में ही चार्ज होगा ताकि प्रॉपर मैचिंग हो सके। तो अब ये 10 ओसीआई में जाएगा, यहां नीचे ज्यादा जगह हो गई, ज्यादा जगह चाहिए, मैं उसकी फिगर यहां लिख रहा हूं है। तो फेयर वैल्यू गेन 50 यहां आएगा और इसका टैक्स भी इधर ही आएगा, या फिर इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ये है जो भी आज बता रहा हूं बात,
कि अगर कोई आइटम जो कि गेन लॉस है लेकिन वो P&L में नहीं OCI में जा रही है, तो उसकी वजह से जो डेफर टैक्स क्रिएट हो रहा होगा वो भी यहां पर आने की बजाय OCI में जाएगा। तो इसके लिए हेडिंग बना लेते हैं कि डेफर टैक्स रिलेटिंग टू OCI आइटम्स। और OCI आइटम्स FAR2 के सिलेबस वाली एक रीवैल्यूएशन गेन लॉस है और एक फेयर वैल्यू गेन लॉस है। ये 16 और 38 वाला और ये IFRS 9 वाला, ये दो हैं आपके सिलेबस में। तो इनके नीचे जो आपको तो सारी कहानी समझाई वो इसके नीचे लिख देता हूं कि डेफर्ड टैक्स OCI आइटम से रिलेटेड जो डेफर टैक्स है वो भी OCI में रिकॉग्नाइज होगा टैक्स एक्सपेंस की जगह। मुझे बात मैंने तो मिसाल से समझाई थी वो अगर ना भी नोट करें तो मैं अभी ना इसकी प्रैक्टिस सवाल बना के कराता हूं तो वो वहां पर हो जाएगी न्यूमेरिकल चीज डील। लिखनी है मिसाल जरूर लिखनी, मर्जी आपकी, नहीं तो वैसे भी मैं एक सवाल बना के उसकी शक्ल बना देता हूँ। उसके नीचे अलग से भी प्रेजेंट हो सकता है और ये गेन भी नेट ऑफ टैक्स दिखा देंगे, ये दोनों बातें ठीक है जी। सर कल को जो सेल करेंगे एसेट को तो जी जी जो अच्छा ये बाकी भी सुने सवाल पूछा है कि जो कल को ये एसेट वाकई सेल हो जाएगा तो उस पर जब ऑफिशियली टैक्स लग जाएगा यानी करंट टैक्स तो वो तो P&L में जाएगा। तो इस सवाल को ज़रूर कंटिन्यू करिएगा लेकिन मैं पहले आपको ना इसके सवाल करा दूं फिर उसके बाद, लेकिन पूछिएगा ज़रूर। क्योंकि उसका ना वन लाइनर जवाब नहीं है, वो ये है कि अगर ये हो तो ये है, अगर ये हो तो ये है, इसलिए अच्छा इतना नोट करना है पहुंचे यहां तक, फिर एक नोट बताता हूं फिर सवाल करते हैं। यहां तक पहुंच जाए तो फिर टाइम है एक पॉइंट लिखवाने और उर्दू में लिख लेना बेशक। हाँ जी हाँ जी यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे उस ये OCI की यहाँ जगह कम पड़ गई थी ना, मैंने ये OCI यहाँ से आगे चला रही यानी इसके बाद ये जब ये गेन लॉस OCI में है तो उसका रिलेटेड टैक्स भी OCI में। यहां तक पहुंचे? अच्छा आप एक बात लिख लें जो मैं भी सवाल में समझाता हूं, भी लिख लें बस। ये जो रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर होता है,
सरप्लस से रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर होती है ना अमाउंट, वो इंक्रीमेंटल डेप्शन भी है, फिर फाइनली जब एसेट बिक जाता है तो भी है, तो वो जो सरप्लस से रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर हुआ करेगा वो भी एक नेट ऑफ टैक्स अमाउंट होगी। नेट ऑफ टैक्स अमाउंट का मतलब ये है कि अगर टैक्स रेट 30% है और सरप्लस से रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर 20,000 रुपए करने थे तो रिटेन अर्निंग्स डेबिट, नहीं रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट 20,000 से नहीं होंगे 14,000 से होंगे। ये सवाल में रीजन बताता हूँ, अभी लिख ले बस, उर्दू में लिख ले बेशक, कि जो इसी के नीचे लिख लें कि जो सरप्लस से रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर हो रहा होगा वो भी एक नेट ऑफ टैक्स अमाउंट ट्रांसफर होगी। उसकी वजह अभी सवाल कराता हूं तो बताता हूं, यानी अगर 20,000 रुपए ट्रांसफर करना था, टैक्स रेट 30% है, तो हम 20,000 ट्रांसफर की बजाय 14,000 ट्रांसफर करेंगे, ये कह रहा हूं। लिखी बात, चले सवाल लिखे। चार साल का सवाल है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स बता रहा हूं, 2019, 2020, 2021, 2022, चार पीबीटी बता रहा हूं। 2019 में 1,00,000, 1,10,000, 125,000 और 120,000। ये हो गया पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ऑन फर्स्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया, बस अब आगे अंग्रेजी लिखे। ऑन फर्स्ट जुलाई 2018, ऑन फर्स्ट जुलाई 2018 अ प्लांट वॉज परचेस्ड फॉर 80,000 रुपए, 80,000। रिवैल्यूएशन की डिटेल, रिवैल्यूएशन का टेबलर फॉर्मेट बनाया करते थे हम, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो ऐसा जबरदस्त याद है कि सवाल के बगैर भी बना सकते हैं आप। फर्स्ट जुलाई 18 पे खरीदा था एक प्लांट 80,000 का, यूजफुल लाइफ वॉज एस्टिमेटेड एट 8 साल। 80,000 का प्लांट खरीदा था और उसकी यूजफुल लाइफ एस्टिमेट की थी 8 साल। अकाउंटिंग ईयर जुलाई से जून, अकाउंटिंग ईयर जुलाई से जून है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस है, टैक्स डेप्रिसिएशन 25%, 25% रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस है, प्लांट वॉज रीवैल्यूड एज फॉलोज, प्लांट वॉज रीवैल्यूड एज फॉलोज, डेट बताऊंगा और फेयर वैल्यू बताऊंगा। फर्स्ट जुलाई 19, फर्स्ट जुलाई 19 प्लांट खरीदा कब था, हाँ ठीक है, फर्स्ट जुलाई 19 91,000, 91,000 और
1 July 2020 54,000 और 1 July 2021 1 July 2021 60,000 टैक्स रेट है जी 30% टैक्स रेट 30% है अकाउंटिंग ने बता दिया मुझसे रिक्वायर्ड है 1 July 2018 to 30 June 2022 तक इसमें रिवेलेशन तो बीच में एंट्रीज आई जाएंगी वो भी रिवीजन आ जाएगी लेकिन मेनली इसमें मैं आपको ये टैक्स वाला पॉइंट क्लियर करूंगा तो 1 July 2018 to 30 June 2022 तक सारी एंट्रीज रिक्वायर्ड है मुझसे अच्छा अब चूंकि रिवेलेशन है और वो टेबुलर वर्किंग करनी पड़ेगी तो बोर्ड पे तो मैं कर रहा हूँ टेबुलर वर्किंग एंट्रीज मैं जबानी बोलूंगा आप फिर लिखते जाइएगा क्या जी मेरा ख्याल है कोई 20-22 तो होंगी 4 साल है ना हाँ तो 20-22 तो कम अज कम हो ही जाएंगे बोर्ड पे मैं बना रहा हूं वर्किंग एंट्री में जमानी बोलूंगा रिवेल्यूशन का टेबल जो हम बनाते होते हैं डेट थोड़ी सी अंग्रेजी एक बनाते हैं एसेट का कॉलम रिवेल्यूशन कहाँ चार्ज करनी है इससे रिलेटेड दो कॉलम बनते हैं एक सरप्लस में और एक पी एंड एल में ये हम लोग बनाया करते हैं अब इसमें दो कॉलम और बनाने टैक्स आ जाएगा तो दो कॉलम साथ और बनाऊंगा इनमें से एक तो बगैर कॉलम के भी चल सकता है वैसे लेकिन लाइनें इधर उधर ना कर दें इसलिए बना रहा हूं ये वाला कॉलम डेफर्ड टैक्स कह रहा हूं मैं इसको और ये कॉलम अवॉइड हो सकता है लेकिन आप लाइनें आगे पीछे कर देंगे इसलिए मैं बना रहा हूं ये बना लें तो ठीक है अवॉइड भी हो सकता है ये जरूर बनाना है ये जो मैं इसके आगे बना रहा हूं नेट सरप्लस का ये दो कॉलम मैंने ऐड किए हैं चलिए टेबल ये चूंकि आपने पहले किया हुआ है काम वो इफ्रिक वन में भी किया था तो ये मैं पूरा फ्लो में टेबल पूरा कर देता हूं पहले एंट्रीज बाद में बताता हूं सबसे पहले क्या है 1 July 2018 को कितनी 80,000 फिर 30 June 2019 को डेप्रिसिएशन 80/8 10,000 70 फिर 1 July 2019 को रिवेल्यूशन हो गई और रिवेल्यूशन होके पहुंच गया 91 तक अपवर्ड हो गया 21 और ये 21 सीधा सरप्लस में आ जाएगा फिर उसके बाद 30 June 2020 को डेप्रिसिएशन चार्ज होगी दिस डिवाइडेड बाय 7 13 और ये 3,000 78 और 18 फिर रिवेल्यूशन हो गई 1 July 2020 को और अब रिवेल्यूशन होके पहुंचना है 54 पे तो डाउन हो गया कितना 24 यहाँ जगह 18 की है
तो बाकी छः चला गया यहाँ। फिर 30 जून 2021 डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, दिस डिवाइडेड बाय 6 साल 9000 और अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन 1000। और किधर रह गया 5, फिर हो गई रिवैल्यूएशन 1 जुलाई 2021 को, और ये रिवैल्यूएशन होके पहुंच गया कहाँ तक 60 तक, अपवर्ड हो गया 15, लॉस ख़त्म होगा और 10 का आ जाएगा सरप्लस, और लास्ट 30 जून 2022 को डेप्रिसिएशन हो जाएगी 12000 और इंक्रीमेंटल 2000। ये रह गया 48, ये रह गया 8। बहुत कुछ लिखना है सवाल में, उसका 30 पेज करिएगा। चलिए एंट्रीज बोल रहा हूँ मैं, जो ज़्यादा सारी एंट्रीज हैं और बीच में मैंने चूंकि जगह भी छुड़वानी है इसलिए मैंने नंबरिंग भी कर देता हूँ ताकि आप लोग एंट्री मिस ना करें। पहली एंट्री 1 जुलाई 2018 प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट, और मेरा ख्याल है मैंने बात कही भी या नहीं कही तो आप सुन लें कि अगर सवाल में एंट्रीज रिक्वायर्ड हैं और ये मना नहीं किया कि नरेशन नहीं लेनी तो बेहतर है कि लिखा करें, क्योंकि एंट्रीज बहुत ज़्यादा होना तो खुद भूल जाता है कि मैंने कौन कौन सी एंट्री की हुई है, इसलिए बेहतर है कि नरेशन लिखा करें। पहली एंट्री रिपीट कर रहा हूँ, 1 जुलाई 2018 प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट प्लांट परचेज्ड, नरेशन हो गई प्लांट परचेज। स्पीड। दूसरी एंट्री 30 जून 2019 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 10000, ये हो गई डेप फॉर 2019। अच्छा चलिएगा मेरे साथ, जल्दबाजी करके आगे मत जाइएगा, दो एंट्रीज ओके। तीसरी एंट्री जगह छोड़ दें, तीसरी एंट्री जगह छोड़ दें, हाँ एक ही मतलब कंपाउंड नहीं है एक ही। चौथी एंट्री जगह छोड़ दें। पांचवी एंट्री 1 जुलाई 2019 पहला काम क्या होगा रिवेल्यूशन पे, एक्यूमुलेटेड एमिनेंट होगी, तो पांचवी एंट्री 1 जुलाई 2019 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट प्लांट क्रेडिट 10000। ये हो गई एक्यूमुलेटेड की एलिमिनेशन। छठी एंट्री ये नोट नहीं करिएगा, पहले इधर देखिएगा, छठी एंट्री 1 जुलाई 2019 प्लांट हो रहा है अपवर्ड रिवैल्यू, तो प्लांट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस की जा रहा है सारा 21000। अच्छा जब ईयर एंड होगा, अभी तो मैंने इन्वेस्टमेंट की मिसाल ली थी ना, अभी जो मैं ये सारा कॉन्सेप्ट बता रहा था, तो इन्वेस्टमेंट तो डेप्रिशिएट नहीं होती, ईयर एंड पे इन्वेस्टमेंट ने बढ़ के बस सिर्फ फेयर वैल्यू पे ही अपडेट होना था, तो इसलिए ईयर एंड पे जो मैंने यहाँ कैरिंग अमाउंट 250 लिखी थी, टैक्स बेस 200 लिखी थी ईयर एंड पे, क्योंकि डेफर टैक्स हम लोग ईयर एंड पे ही कर रहे होते हैं, तो ईयर एंड पे कैरिंग अमाउंट लिखी थी, टैक्स बेस लिखी थी, उनमें डिफरेंस 50 आ गया था, ये वही था जो गेन था। ये डिफरेंस सिर्फ गेन की वजह से ही था, क्योंकि डेप्रिसिएशन थोड़ी होती है,
तो ये डिफरेंस था ही सारा का सारा उसी OCI गेन के लिए, इसलिए ईयर एंड पे ही हमें इसकी पहचान करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। डेफर टैक्स लोग ईयर एंड पे कैलकुलेट करते हैं ना, तो ईयर एंड पे कह रहे हैं अमाउंट 250, टैक्स बेस 200, तो जो डिफरेंस आ रहा होगा वो वही OCI वाला ही है, तो हम ईयर एंड पे भी उसको हैंडल कर लेंगे कि इस 50 पे लगने वाला टैक्स डेफर टैक्स कहां जाना है, OCI में। लेकिन रिवैल्यूएशन मॉडल में ये चीज ईयर एंड पे नहीं पकड़ी जानी, यानी ईयर एंड पे जो PPE होगा, जैसे इसमें प्लांट है, ईयर एंड पे जाके कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में जो डिफरेंस आ रहा होगा वो डिफरेंस किस वजह से होगा? रिवैल्यूएशन की वजह से भी होगा, डेप्रिसिएशन की वजह से भी होगा। जैसे इस सवाल में कैरिंग अमाउंट तो चलो मैं निकाल चुका, 2020 जब एंड होगा, 2020 तो कैरिंग अमाउंट क्या आ रही होगी? 78। टैक्स बेस निकाली नहीं है अभी, लेकिन फर्ज करें टैक्स बेस आ रही है 61। अब ये जो 30 जून 20 के ऊपर जाके ये डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस 17,000, क्या सारा का सारा रिवैल्यूएशन की वजह से? यानी इसलिए है कि हमने प्लांट को अपवर्ड रिवैल्यू कर दिया है, डेप्रिसिएशन का फर्क भी है। तो जो डेप्रिसिएशन का फर्क है उससे रिलेटेड डेफर टैक्स वो तो नॉर्मल वाला है जैसे पहले कर रहे थे, वो तो जाना चाहिए डेफर टैक्स एक्सपेंस में, लेकिन रिवैल्यूएशन गेन वाला भी इसमें कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, वो अभी ईयर एंड पे आके नहीं पकड़ा जाना। तो उसका बेस्ट हल ये है कि जब रिवैल्यूएशन की एंट्री करें उसी के साथ उसका रिलेटेड डेफर टैक्स अभी ही रिकॉर्ड करते जाए, ईयर एंड पे नहीं पकड़ा जाना इसमें, वो डेप्रिसिएशन में एडजस्ट होता जाएगा। इसलिए ईयर एंड पे काम करने की बजाय जब जब रिवैल्यूएशन होगी साथ हम एक और एंट्री करेंगे, इससे रिलेटेड कितना बनेगा डेफर टैक्स? 30% टैक्स रेट है, तो हम अभी ही से डेफर टैक्स पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि हम एसेट को और बढ़ा रहे हैं, कैरिंग अमाउंट और बढ़ेगी, टैक्सेबल डिफरेंस और बढ़ेगा, तो टैक्स एक्सपेंस ये लिखना नहीं आपने, टैक्स एक्सपेंस डेबिट और डेफर टैक्स क्रेडिट। लेकिन ऐसा करने से कितना बोला 63, लेकिन इसमें मैंने क्या गलत कर दिया, ये क्या गलती की मैंने सेंट्री में, टैक्स एक्सपेंस में नहीं ना जाना था, कहाँ जाना था? OCI में। तो यही रिवैल्यूएशन सरप्लस ही डेबिट, ये जो हम लोग रिवैल्यूएशन में सरप्लस में फिगर लिख रहे होते हैं, यानी इस एंट्री में ये होती है OCI में प्रेजेंट होने वाली आइटम, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। OCI में रिवैल्यूएशन गेन की वो फिगर आती है, जैसे ये इधर है, ये OCI में जाना है, ये P&L में जाना है, ये OCI में जाना है, ये P&L में जाना है। जो फॉर द ईयर रिवैल्यूएशन हो रही होती है, फॉर द ईयर जो रिवैल्यूएशन हो रही होती है उसमें OCI में कौन सा गेन आएगा और P&L में कौन सा रिवैल्यूएशन लॉस रिवर्सल आएगा, जो सरप्लस के कॉलम में हम फिगर लिख रहे हैं ये OCI में प्रेजेंट होता है, और जो P&L वाली फिगर लिख रहे हैं ये P&L में जाता है। यानी इस लाल वाली रिवैल्यूएशन जो ऊपर है ये OCI में आएगा रिवैल्यूएशन गेन, इधर ये OCI में आएगा रिवैल्यूएशन लॉस, और ये P&L में आएगा रिवैल्यूएशन लॉस, इधर ये OCI में आएगा रिवैल्यूएशन गेन, और ये P&L में आएगा रिवैल्यूएशन लॉस रिवर्सल। तो ये जो हम रिवैल्यूएशन करते हुए सरप्लस में जो डेबिट क्रेडिट कर रहे होते हैं वो OCI में जाने वाली चीज होती है, तो ये OCI में जा रहा है, तो इसका टैक्स भी OCI में चला गया। अब जब हमने इन दोनों एंट्री में सरप्लस को ही डेबिट क्रेडिट करना है, तो फिर ऐसा करते हैं कि इन दोनों की जगह एक कंपाउंड एंट्री कर लेते हैं, $1,400 और डेफर टैक्स ये कर लेते हैं, यानी सरप्लस हम एक नेट ऑफ टैक्स फिगर रिकॉर्ड कर लेते हैं। डेफर टैक्स लायबिलिटी तो वो तो जब मैंने आपको पूरा पढ़ाई दिया है तो डेफर टैक्स एसेट है कि लायबिलिटी, वो तो ईयर एंड पे पता चलेगा ना, हम तो बस डेफर टैक्स ही कह रहे होते हैं, तो अगर आपने डिटेल कहना है ठीक है डिटेल कह ले उसको, जब चलो रहने दो, अभी मैं जब डेफर टैक्स की कैलकुलेशन की वर्किंग करूंगा ना फिर पूछना, वो सामने एक्चुअल फिगर्स होंगी ना फिर बताऊंगा, बल्कि दोबारा बता ही देता हूं, ये बात रिपीट कर रहा हूं भाई। मैंने अभी जब ये सारा कॉन्सेप्ट बताया था तो मैंने इन्वेस्टमेंट की मिसाल ली थी, ईयर एंड पे इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे अपडेट किया था, 200 की खरीदी थी 250 बना दी थी, ईयर एंड पे कैरिंग अमाउंट 250 आ रही होगी, ईयर एंड पे टैक्स बेस 200 आ रही होगी, टैक्सेबल डिफरेंस हो गया 50 का, और ये सारा का सारा 50 का डिफरेंस वही है जो हमने फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड किया है।
तो जब डेफर्ड टैक्स इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स पे ईयर एंड पे कैलकुलेट होगा और उस वक्त जो डिफरेंस आएगा वो वही फेयर वैल्यू गेन की वजह से ही होगा, इसलिए ईयर एंड पे भी इस चीज को हैंडल किया जा सकता है। क्या हैंडल, कि इसका टैक्स कहां जाना है, ओसीआई। लेकिन जब बात आएगी पीपीई के रिवैल्यूएशन मॉडल पे, तो पीपीई की कैरिंग अमाउंट, पीपीई के टैक्स बेस में जो डिफरेंस आ रहा है, क्या ये सिर्फ रिवैल्यूएशन की वजह से या डेप्रिसिएशन की वजह से भी है? दोनों मिक्स हो गए ना, तो अब हम इसमें से कैसे ढूंढने के कितना डेफर टैक्स इसमें पीएनएल में जाना है, कितना ओसीआई में जाना है? तो उसका हल ये है कि जब रिवैल्यूएशन की एंट्री करें तो उससे रिलेटेड टैक्स की भी साथ ही एंट्री कर लें। ये की है बात में, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर लें तो टाइम बच जाएगा। तो एंट्री नंबर 6, 1 जुलाई 2019, प्लांट डेबिट 21,000, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 14,700, डेफर टैक्स क्रेडिट 63,000। और अब चूंकि मैंने आपको ये चीज बता दी, अब मैं आपको ये टेबल पूरा भर देता हूं ताकि एंट्रीज यहीं से ही हम टेबल से किया करेंगे। अब ये टेबल ऐसे भर, नरेशन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, रिवैल्यूएशन ऑफ प्लांट। अब मैं टेबल वर्किंग पूरी देखे भर के दे रहा हूं। ये तीन कॉलम तो जैसे बचपन से करते आ रहे हैं वैसे ही होंगे, और पहले आप ये तीन कॉलम ही करेंगे, वर्किंग हो गई पूरी। अब आप ये अगले दो कॉलम में ये करें कि ये जो सरप्लस का कॉलम है पूरा, टैक्स रेट कितना है, इस कॉलम को 30% की छलनी से गुजार दें, 70% बचाइए, इसका 70% ले लें, इस कॉलम का 70% ले लें, 14,700, 21,600, 12,600, 7,000, 14,000। और ये कॉलम मैंने कहा था, इस कॉलम को मैं अवॉइड कर भी सकता हूं, लेकिन आप लाइनें आगे पीछे कर जाएंगे, इसलिए मैंने ये कॉलम बना दिया। अब इस कॉलम में आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस कॉलम में आपने ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, यानी रिवैल्यूएशन वाली लाइन, ये 21 है, कितना खंगाला इसमें से जो ये बच गया 6,300, इस 18 में से क्या खंगाला है जो ये बच गया, 54,000, और इस 10 में से ये दो कॉलम जो बनाए, ये देख ले मैंने क्या किया है, पहले तीन कॉलम जैसे बनाते हैं वैसे ही किया, फिर सरप्लस वाले कॉलम को 70% ये कर ले, और सिर्फ रिवैल्यूएशन वाली लाइन में कितना टैक्स काट के इतना किया वो टैक्स लिख दें बस। इसका मैंने कोई बैलेंस वैलेंस नहीं निकाला है, सिर्फ रिवैल्यूएशन की लाइन की फिगर लिखी बस। ये वर्किंग का कॉलम आपकी हेल्प ये करेगा कि जो एंट्री IS 16 में सीख के हम ये किया करते थे, अब आपने इस कॉलम की जगह ये दो कॉलम एंट्री में ले आने। हम लोग करते थे रिवैल्यूएशन की ये एंट्री, अब इसकी जगह ये टूट के दो में हो गया, तो एंट्रीज की सपोर्ट होगी, इसलिए मैंने एक कॉलम बना दिए। ये वाला कॉलम एंट्रीज में नहीं आ रहा, इधर 21,000 है नहीं, ये कॉलम क्यों जरूरी था बनाना, ताकि ये पता चले कि पीएनएल में कितना लॉस गेन जाना है, इसलिए वर्किंग में कॉलम तो बनाना पड़ा, लेकिन एंट्री करते हुए इस कॉलम को दो में तोड़ दिया, यानी ये जो 21 क्रेडिट करना था जो आई 16 में सीख के आए हैं, उस 21 क्रेडिट की जगह ये क्रेडिट होगा और ये क्रेडिट होगा, ये जो आई 16 में सीख के आए भी आगे आएगी एंट्री, ये जो 18 डेबिट करना था इस 18 डेबिट की जगह ये दो डेबिट करूंगा मैं आगे, ये जो 10 क्रेडिट करना था इस 16 के मुताबिक उसकी जगह ये दो क्रेडिट करूं। तो जैसे पहले सीखा है हम वैसे ही बनाएंगे, बस दो कॉलम ऐड कर दिए मैंने, सरप्लस वाले कॉलम को नेट बना दिया
और जो रिवेल्यूशन वाली लाइनों में टैक्स की अमाउंट बन रही है वो मैंने इस कॉलम में लिख दी ब्रैकेट विदाउट ब्रैकेट ध्यान से। एंटी कहां तक पहुंच गए? तो एंटी नंबर 6 बोली है मैंने, लिखी है बल्कि ये इस वर्किंग से बना के देता हूं। प्लान डेबिट, पहले हम लोग एंट्री बनाया करते थे प्लान डेबिट सरप्लस क्रेडिट, प्लान क्रेडिट सरप्लस डेबिट पी एंड एल डेबिट। अब आपने एंट्री में इस कॉलम की बजाय ये दो कॉलम देख के एंट्री करनी है, यानी प्लान डेबिट 21,000, डेफर टैक्स क्रेडिट 63, सरप्लस क्रेडिट 14,700। एंट्री नंबर 7, 30 जून 22, एंट्री नंबर 7 30 जून 20, एंट्री नंबर 7 30 जून 20, डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 13,000। एंट्री नंबर 7 30 जून 20, डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 13,000। आईएस 16 में जो सीख के आए हैं और एंट्री क्या होनी थी? सरप्लस डेबिट रेन अर्निंग क्रेडिट 3,000। हम सरप्लस में 21 तो लेके ही नहीं गए, सरप्लस में तो हम लेके ही 14,700 गए हैं, जबकि ये 3,000 किस में से है? 21 में से, क्योंकि 3 कैसे निकाला? 21 के 7 टुकड़े किए। अब वो 3,000 अगर ये जिंदगी ऐसे ही इसकी आगे चलती रहती, हर साल 3,000 ट्रांसफर करते 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 7 साल में सरप्लस खत्म हो जाता। तो अब जब सरप्लस में गया ही 14,700 है तो 3,000 ट्रांसफर करना शुरू कर दें उसमें से, जब उसमें 21 गया ही नहीं है तो 3,000 कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? इसलिए ट्रांसफर वाली एंट्री भी 3 की बजाय 2100 से होगी। तो रिवेल्यूशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 2100। एंट्री नंबर 8 रिपीट कर रहा हूं, 30 जून 20 रिवेल्यूशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट 2100। सरप्लस ट्रांसफर इंक्रीमेंटल डेप्शन ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस, ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग लिख दें, ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस लिख दें, इंक्रीमेंटल डेप्शन लिख दें, जो मर्जी लिख दें। एंट्री नंबर 9 जगह छोड़ दें और एंट्री नंबर 10 जगह छोड़ दें, सिंगल सिंगल कंपाउंड एंट्री नहीं है। अच्छा, ये मैं जगह छुड़वा रहा हूँ, हर साल करंट टैक्स की भी एंट्री होनी है, डेफर टैक्स की भी होनी है, तो ये वो वाली एंट्री छुड़वाई है मैंने। कहाँ तक पहुँच गए? 9 और 10 जगह छोड़ दी। चले एंट्री नंबर 11, 1 जुलाई 20 एक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट प्लान क्रेडिट कितनी है एलिमिनेट करने वाली? 13। एंट्री नंबर 11, 1 जुलाई 20 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट प्लान क्रेडिट 13,000। एक्यूमुलेटेड एलिमिनेट हो गई। एंट्री नंबर 12, 1 जुलाई 20 मैं भी अभी एक मिनट खामोश हूं, आप भी कोई ना बोले, सब खुद जहन में सोच लें क्या एंट्री बनेगी खामोशी से। ये हरी लाइन पे और करें और एंट्री सोच लें। आगे 16 में सीखा था रिवेल्यूशन सरप्लस डेबिट 18, पी एंड एल डेबिट 6 और प्लान क्रेडिट 24। अब क्या करें? इसकी जगह 12,600 और साथ डेफर टैक्स आ जाएगा 54। बाकी ये ऐसे है। तो एंट्री नंबर क्या बता रहा हूं? 12, 1 जुलाई 20 रिवेल्यूशन सरप्लस डेबिट 12,600, डेफर टैक्स डेबिट 5,400, पी एंड एल डेबिट 6,000, प्लांट क्रेडिट 24,000। यानी ये जो कॉलम आपको सरप्लस वाला नजर आ रहा है ये सिर्फ वर्किंग के अंदर है, एंट्रीज में ये कोई नहीं है, एंट्रीज इस कॉलम की है। बैलेंस शीट में सरप्लस का बैलेंस वो यहां से जाएगा।
अच्छा अगली क्लास में जिसने आना हो आने से पहले और जिसने लगानी हो लगाने से पहले, हर साल की दो दो एंट्रीज की जगह छोड़ते जाना। नहीं मैं अभी पहले तरतीब बता दूँ ताकि वही एंट्री की जगह सारे छोड़ें। कहाँ तक पहुँच गए? यहाँ तक हो गया। एंट्री नंबर 12 हो गई ना। एंट्री 13 डेफिशिएंट की होगी और एंट्री 14 15 की जगह छोड़ देना। एंट्री 14 की जगह छोड़ दें, 15 की जगह छोड़ दें। एंट्री नंबर 16 एलिमिनेशन वाली होगी। एंट्री नंबर 17 रिवेलेशन वाली होगी। एंट्री नंबर 18 डेफिशिएंट की होगी। एंट्री नंबर 19 ट्रांसफर की होगी। 20 और 21 की जगह। तो आप लोग ये जो एंट्रीज इधर आ रही हैं ये पूरी करके फिर अगली क्लास में आना। टेक्स्ट फिर मैं आपको अगली क्लास में पूरा कराता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।